मैंने आपको बहुत सारा एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है, लेकिन करीब एक साल पहले मैंने एक एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाया था जो ये था कि ही इज गॉन और ही हैज गॉन में क्या फर्क है। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट में गंदे कमेंट्स करते हैं और उनमें से कुछ कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो फिर कुछ कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ही गलत है। यानी ये एक ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर है जिसे मैंने पढ़ाया तो, लेकिन आज तक मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि कहीं आप भी कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आप इस किताब को खुद पढ़ें ताकि आप भी समझ सके कि जो मैंने पढ़ाया वो सही था या गलत। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रूल सेकंड बी। अब इन वाक्यों को देखें, बसंत आ गया है या चुका है, वह मुंबई जा चुका है, घंटी बज गई है या चुकी है, बर्फ पिघल गई है या चुकी है, मेरा बैग गुम हो गया है या चुका है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य पूर्ण रूप से बहुत पहले हो चुका है, अभी अभी नहीं। इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, यानी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे इज, फिर आप लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप यहाँ देखें, यहाँ एग्जांपल्स लिखा हुआ है स्प्रिंग इज कम यानी बसंत आ गई है, ही इज गॉन टू मुंबई वह मुंबई जा चुका है, द बेल इज गॉन घंटी बज गई है, द स्नो इज मेल्टेड बर्फ पिघल गई है, माई बैग इज गॉन या लॉस्ट मेरा बैग भूल गया है, द ट्री इज फॉलन पेड़ गिर गया है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा इस प्रकार करना सही नहीं है यानी उचित नहीं है। स्प्रिंग हैज कम, द बेल या द बैग हैज गॉन, यानी इस तरह के सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट के मदद से ना करें, यानी हैज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल न करें बल्कि इज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। ऐसे वाक्यों में इज आर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ होता है जैसे गो, कम, राइज, फॉल, मेल्ट, लॉस। एक्सरसाइज 3 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। डाक पहुंच चुकी है या आ गई है, पेड़ गिर चुका है, सूरज उग गया है या चुका है, वह जा चुका है, मेरी किताबें गायब हो चुकी हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसी रूल को एक दूसरी किताब से देखें। रूल 8 सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज गॉन हैज गॉन। कुछ वाक्यों में हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल के बदले इज आर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी इस प्रकार होता है। पहला ही इज गॉन टू लंदन, द स्नो इज मेल्टेड। ऐसे वाक्यों में वर्ब से परिणाम यानी रिजल्ट या अवस्था यानी कंडीशन का बोध होता है, अर्थात यह बोध होता है कि काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने की अवस्था में है। यहाँ इज गॉन का अर्थ है जाने का काम बिल्कुल पूरा हो चुका है और इसलिए वह लंदन पहुँच चुका है। इसी प्रकार इज मेल्टेड का अर्थ है पिघलने का काम बिल्कुल पूरा हो चुका है और इसलिए अब कहीं भी बर्फ का पता नहीं है। अब इन वाक्यों को लें, ही हैज गॉन टू लंदन, द स्नो हैज मेल्टेड। यहाँ पहले वाक्य से बोध होता है कि काम तुरंत समाप्त हुआ है, अर्थात वह लंदन के लिए तुरंत रवाना हुआ है या लंदन तुरंत पहुंचा है। इसी प्रकार हैज मेल्टेड से बोध होता है कि बर्फ तुरंत पिघली है, पिघलने का काम अभी पूरा हुआ है। अब इन वाक्यों को देखें, द बेल इज गॉन, द स्प्रिंग इज कम। यहाँ इज गॉन का अर्थ है घंटी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, अभी तुरंत नहीं बजी है, अर्थात घंटी बजने का कारण सारे काम काज आरम्भ हो गए हैं। इसी प्रकार इज कम का अर्थ है आया हुआ है, अर्थात बसंत तुरंत नहीं आया है, वह पहले का आ चुका है, इसलिए बसंत ऋतु की शोभा दिखाई पड़ रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि ही इज गॉन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जबकि उनको ये बात पता ही नहीं कि गो, कम, स्लीप, डांस, डाई, स्टैंड यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस होता ही नहीं, यानी इन सभी वर्ब के पैसिव वॉइस होते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और अगर आपके दोस्तों में से कोई कंफ्यूज है तो आप उसे यह वीडियो दिखाएं ताकि उसको यह एडवांस स्ट्रक्चर पता चल सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।